तो भैया कैसे हैं आप लोग? वेल गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि बीते कुछ दिनों के अंदर सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान्स को महंगा कर दिया है, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो भी वायरल हो रही हैं, जिसे आप लोगों ने जरूर देखा होगा। जियो को नंबर वन बनाने के लिए BSNL को डुबा दिया गया। देश की जनता चाहती है BSNL को नंबर वन बनाना, लेकिन मोदी जी चाहते हैं जियो को नंबर वन बनाना। महंगे रिचार्ज को देखते हुए कई सारे लोगों ने अपने नंबर को BSNL में पोर्ट कराना शुरू कर दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि BSNL अभी तक अपने यूजर्स को 4G नेटवर्क प्रोवाइड करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सभी प्राइवेट नेटवर्क कंपनियां अपने यूजर्स को 5G नेटवर्क प्रोवाइड करती है। वेल गाइस, सवाल अब ये है कि ये सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज को महंगा क्यों की है? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई। वेल, सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जियो के बारे में। दोस्तों, समय था 27 दिसंबर 2015 जब रिलायंस ने अपने जियो को लॉन्च किया था, और करीब एक साल बीतने के बाद 5 सितंबर 2016 को इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया था। रिलायंस भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी में से एक है, जिसके फाउंडर मुकेश अंबानी हैं, जो भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, जब जियो को लॉन्च किया गया था तब ये फ्री में लोगों को नेट प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन भैया गेम तो अब शुरू हुआ था। गाइस, समय धीरे धीरे बीतता गया और ये कंपनी भारत का सबसे नंबर वन टेलीकॉम कंपनी बन गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और VI सभी ने अपने रिचार्ज को महंगा कर दिया है, और धीरे धीरे ये महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसे देखकर लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई ये है, इस बढ़ती महंगाई के चलते सबसे ज्यादा गरीब लोगों की हालत खराब हो चुकी है। चाहे वो इंटरनेट की बात करें या फिर पेट्रोल, डीजल और गैस, हर तरह से गरीब ही पिस रहा है। वैसे गाइज, आपके हिसाब से इसमें गलती किसकी है, सरकार की या फिर जनता की? भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं BSNL की। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी में से एक BSNL पिछले 10 सालों में इसकी हालत पूरी तरह टाइट हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब बात करें तो बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सभी लोग BSNL की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ये सभी प्राइवेट कंपनियां अपने प्लान्स में महंगी करती जा रही है। अब सवाल ये है कि भारत सरकार BSNL को आगे क्यों नहीं ले जाना चाहता? आखिर क्या वजह है? क्या भारत सरकार सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को ही बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन BSNL जैसे एक सरकारी कंपनी को आखिर आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहती? क्या भारत सरकार गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहती है? बढ़ते महंगाई के चलते सभी गरीबों का हालत टाइट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, और गरीब बहुत ज्यादा पिस रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, रिलायंस जियो के फाउंडर मुकेश अंबानी अपने बेटे के शादी में 4,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च की है। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि बेटे के शादी में बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े एक्ट्रेस भी आए हुए थे, और वहीं दूसरी तरफ विदेशों के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हुए थे। तो भैया, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इन सभी बड़े बड़े कंपनियों ने, भारत के सबसे नंबर वन कंपनी जियो ने अपने रिचार्ज की महंगाई इसलिए की है ताकि जो पैसे शादी में खर्च हुए थे उसे जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सके। दोस्तों, हमारा सवाल इन प्राइवेट कंपनियों से नहीं बल्कि भारत सरकार से है, क्योंकि आज भी BSNL इतना पीछे क्यों है? फिर वो क्या वजह है कि भारत सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती? क्या इसमें पब्लिक की दोष है या फिर हमारे भारत सरकार की? भैया, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताना। आप लोग किस कंपनी के सिम यूज करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना।